गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज यहाँ पर एक मेरी और सरप्राइज़ पार्टी है जो कि मेरी सारी फ्रेंड्स मिलकर दी हैं, जो कि हम सारे मतलब सुंदरकांड करते हैं साथ में। किट्टी है हमारे आस पड़ोस की हैं और ये सारी मेरी बहुत ही ज़्यादा बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं, तो इन्होंने ऐसे मुझे बुद्धू बना के यहाँ बुलाया कि मैं क्या ही बताऊँ, आगे आपको देखने को मिलेगा। अरे मैंने ना कुछ और बहाना बनाया था, मैंने कहा मेरे दोस्त ने केक मंगवाया है तो सैवी पे उसने मंगवाया है, तो ये केक पूछ रही मेरे नाम का, मुझे पता नहीं कि ऊपर है कि नीचे। अरे मैंने सुना ना आंटी, मुझे पता है कितना मैंने सहाय के लिए अरे मैंने बोला मेरे दोस्त ने पार्टी रखी, मतलब वैसे खाना रखा उसकी मम्मी ने, तो मैंने कहा आपको भी बुलाया है, चल पढ़ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कह रही है क्या जरूरत है मेरे को जाने की, तो चली जाओ। मैंने कहा नहीं, उसकी मम्मी ने बुलाया है। फिर मैंने बोला कि थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि वो फिर कहीं लेके चलेंगे, तब ये तो इतना जाके मानी है कि इतना तैयार हो जाती हूँ। मुझे कह रही है तू इतना पार्टी की तरह के तैयार है। मुझे कह रही है तू इतना तैयार होके क्यों जा रही है, मैंने कहा मैं बाहर भी तो चलेंगे ना घूमने। कह रही तू कुछ ज्यादा ही तैयार लग रही है मेरे को, मैंने कहा कोई ना। पार्टी नहीं है भैया, केक के चक्कर में ना मैंने श्रेया के नाम से कोई केक ऑर्डर है, वो भी बोली कोई नहीं। और पता है आप टीना आंटी फोन पे फोन करे जाए, सुनो ये टीना आंटी फोन पे फोन करे जाए। मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि हम निकल रहे हैं 5 मिनट हुए, उसके बाद ये तो अंदर जाके पूछ रहे श्रेया का केक, श्रेया का और मुझे समझना है ऊपर जाना नीचे जाना कि कहाँ जाना है। हाँ, क्योंकि वो नीचे था उसमें है ना स्कूटी पे। हाँ कि कामना ने बेसमेंट में बुला रही है, तब जाके थोड़ा सा सस्पेंस रहा, नहीं तो इनको थोड़ा शक होने लगता कि बेसमेंट में। और फिर कह रही है तू केक ले आ, मैं स्कूटी वहीं रख दे। मैंने कहा ना चलो चलो।
तो अब यहाँ पर तंबोला गेम होने जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर लेडीज हो और वहाँ तंबोला ना हो तो पार्टी अधूरी रहती है। तो यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर नीलम भाभी जो हैं पैसे सबके कलेक्ट कर रही हैं, और अब होगा हमारा तंबोला गेम। मतलब 2-3 घंटे इतने इंजॉय किए, इतने इंजॉय किए हम लोग, बहुत अच्छा लगा। और सच में ऐसे दोस्त नानसीब वालों को मिलते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हूँ सच में, क्योंकि मुझे इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। सिंगल नंबर जिंदगी की नई शुरुआत है, नाम है फेयरवेल। जिंदगी की नई शुरुआत का नाम है फेयरवेल। अपने दोस्तों की मीठी यादों का नाम है फेयरवेल। और कीर्तन में हुई हरस्ती का, हर मस्ती का नाम है फेयरवेल। ये फेयरवेल नहीं है, फेयरवेल वो होती है जो दोबारा ना आए, ये दोबारा आएगी हमसे मिलने। और फेयरवेल नहीं है। और कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? कहीं भी मिलेंगे, कीर्तन में, कीर्तन में। हाँ, मैं कैरी कर, मैं भी कह दूँ, मैं कुछ लेके नहीं आई, ये और हम तीन थे हमारी दोनों। सही बोला, मैं फायदा उठा लूँ सब लोग। हमने मोटिवेशन दिया था लोग, चलो नहीं हो ही आप लोग दोस्तों की ना कोई भाषा ना ही कोई परिभाषा है, इनकी हर बात में जीने की आशा है। यारों के साथ घंटा भी पल भर में बीत जाता है, इनके होने का एहसास डूबते के लिए तिनका बन जाता है। इनमें ना कोई खून का रिश्ता होता है और ना ही कोई नाता होता है, पर ना जाने क्यों इनका साथ मन को भाता है। इनके साथ सुख दुख साझा कर मन हल्का हो जाता है। दोस्तों की ना कोई भाषा होती है ना ही हमारे दोस्तों की अलग परिभाषा होती है। हमारी ये तो सारे दोस्त हमदर्द नहीं होते, दस्तूर है जमाने का, यह है पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना।
रहो जहाँ अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, ये संगम के लिए है। रहो जहाँ अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, हर कोई गुनगुनाता रहे आपका ही तरह। छोड़ेंगे तुम मगर
श्रेया के साथ ही रहना है। आज बड़े को हमारी बात हो रही थी, मैंने संगम मंडी जा रही है ना, तो मैंने कहा बॉम्बे में देखना, वो कल को मूवी में दिखा करेगी। एक्टिंग लॉस तो है ही है, मैं क्या करता मूवी में किसी ने पार्ट की एक्टिंग बाज है, एक्टिंग बाज बोली किसी मूवी में ही नजर आ जाएगी एक दिन। तो मस्ती के बाद एक और मस्ती होने वाली है, ये एक और गेम खिलाने वाली है मोनिका हमारी, जो कि कागज को फूंक मारकर कितनी देर तक आप दीवार से उसको चिपका के रख सकते हो, मतलब कितनी देर तक आप फूंक सकते हो, उसको फूंकते रहो, तो वो वाला गेम होने वाला है। चलिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, लेकिन आप लोग मुझे लगता है कि इंजॉय कर रहे होंगे। अरे 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 यार, वाह, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड। शुरू करते ही छोड़ दो, क्योंकि मैं दबाऊंगी नहीं बटन, फोन निकल जाएगी। क्या करना है ना, सब फूंक मारते ही छोड़ देना होगी। अच्छा, फूंक सही रही है, कंटिन्यूअसली फूंकना है, धीरे धीरे। मैं आता नहीं, मैं कुछ करूंगी ताकि मुझे आए तो जाए, घर में करना प्रैक्टिस है। चलो, दो चोर हैं और बाकी सारे मोर हैं। अच्छा, राजा और मंत्री बोलेंगे, बता बता मोनिका, बता तो सही। सुनो, इस गेम में एक राजा है, एक मंत्री है, दो चोर है। राजा तो तू ही लग रही है, ठीक है। राजा और मंत्री बताएंगे कौन है, और बाकी सब गैस करेगा। राजा करेगा पर्ची तो खोल के चेक कर सकता, पर्ची छुपा के मम्मी को भी दे दी, दे दी, खोल लो, छुपा के खोलना है ना। मंत्री बोलेगा अभी मैं आइसक्रीम लालू बनते, कोई बात नहीं, ये पाउडर आइसक्रीम खा रहा है, पाउडर पहले आइसक्रीम खाएगा फिर बोलेगा। और दो चोर हैं भाई, पहले ही आइसक्रीम नहीं, लंगर जी मिलू पहले। गौर से देखें इन चेहरों को, इन्हीं में से कोई है। हम दोनों हैं ना, चुन लो किसको चुनना है। मंत्री बहुत दूर है, चले गए चलो, तो बर्खास्त कर तो यहाँ पर मस्ती हो गई और बहुत ही अच्छी मतलब पार्टी थी, इसके लिए सबको थैंक यू। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर ये अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, प्यार दीजिए आप लोग भी इस वीडियो को खूब सारा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हो सकता है व्लॉग थोड़ा सा लेट भी आ सकता है अब।